घोर वायदा खिलाफी जनहित व देश से विश्वासघात करने के साथ साथ तो बीजेपी सरकारों की खासकर गरीब मजदूर किसान व छोटे व्यापारी विरोधी नीतियों के कारण बढ़ती गरीबी, भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि के जबरदस्त मार से बुरी तरह से पीड़ित व त्रस्त है और इस अहंकारी जातिवादी व निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस पार्टी की गलतफहमी के साथ साथ उसका अहंकार भी अब सर चढ़कर बोलने लगा है कि वह अकेले अपने बलबूते पर यह बीजेपी को हराने का काम कर लेगी, जबकि जमीनी वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी को उसकी अपार गलतियों व भ्रष्टाचार आदि के लिए देश की जनता काफ़ी कड़ी सजा दिए जाने के बावजूद अभी उसे भी माफ़ करने को पूरी तरह से तैयार नहीं है और जिसका ही पूरा फायदा लेकर बीजेपी ना केवल केंद्र में पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार में है बल्कि देश के ज़्यादातर राज्यों में सत्ता में आकर अपने घोर जातिवादी सांप्रदायिक व विद्वेषपूर्ण एजेंडे को लागू किए हुए हैं। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी के ऐसे दुखद रवैये के परिणाम स्वरूप ही बीएसपी ने अपने पार्टी व मूवमेंट के हित में अपने दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में और अब आदिवासी बहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य में शीघ्र ही होने वाले आम चुनाव में, पहले हमने उधर कर्नाटक में किया और अब आदिवासी बहुल्य छत्तीसगढ़ राज्य में शीघ्र ही होने वाले चुनाव में यहाँ क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और अब बीएसपी मूवमेंट के हित में ये फैसला किया है कि राजस्थान व मध्य प्रदेश में भी बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेगी।